असल डियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर वेल आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लीगल गाइडलाइंस ठीक है और मुझे मैं उम्मीद करती हूँ कि वह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा अगर आप लोगों को उसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट में दो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर वन हैज़र्ड और नंबर सेकेंड रिस्क ठीक है अगर हम लोग वैसे देखें कि हैजर्ड और रिस्क में क्या फ़र्क है तो आप लोगों को कुछ ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आएगा हैजर्ड भी खतरा होता है और देखा जाए तो रिस्क भी खतरा है राइट और अगर आप लोग इसको सर्च करोगे तो सर्च करने पर भी हैजर्ड भी नुकसान है और रिस्क भी नुकसान है लेकिन इसके अंदर एक बहुत छोटा सा फ़र्क है क्या फर्क है क्या आप कहते हो तो हैजर्ड वो चीज़ है या वो सूरत हाल है जिसके अंदर इतनी ताकत होती है जो किसी दूसरे इंसान की जान पर या फिर सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है ठीक है किसी किस्म की इंजरी या कि चोट पहुंचा सकती है या हाम नुकसान पहुंचा सकती है जबकि अगर हम लोग रिस्क की बात करें तो रिस्क वो चांसेस हैं जो कि हैजर्ड का सामना करने पर मीन नतीजे में आती है वो नतीजा क्या होगा कि कोई भी सा बीमारी हो सकती है चोट लग सकती है या किसी और किस्म का नुकसान हो सकता है बात को रिपीट करती हूँ आपको कहा हैजर्ड जो है वो कोई एक चीज है जिसमें कोई चीज़ या सूरत हाल जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी भी जानी जानी मीन मतलब कि जितनी कोई भी सेहत को नुकसान पहुंचाने की नुकसान या चोट पहुंचाने की वजह रखती हो मीन वजह बन सकती है ठीक है एज फॉर एग्जाम्पल नॉइज शोर लाइक ट्रैफिक का शोर है आपके कानों के पर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर आप लोग कहीं भी किसी फैक्ट्री में जाते हैं और उधर मशीनों का शोर हो राइट एयरबॉन्ड कंटामिनेंट्स यानी कि अगर आप लोग किसी ऐसे कारखाने कारखाने में जाते हो या कारखाने के इर्द गिर्द या फिर आप भट्टी जैसे जहाँ पे ईंटें बनती हैं वहाँ पर जाते हो आप लोगों को पता है कि वहाँ पे धुआं उड़ता है ठीक है वहाँ पर जाना नुकसान है उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी एलर्जिक हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जिनको धुएँ से नुकसान होता है तो आप लोग कहोगे कि आप लोगों के लिए वहाँ पर नुकसान है या फिर आलूद आलूदा ज़्यादा या ज़्यादा माहौल ठीक है एयरबॉन्ड हवा में पैदा होने वाले गर्द होबार कंटेमिनेस या फिर मूविंग व्हीकल्स लाइक जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हो हम लोग अमूमन मना करते हैं कि अपने हाँ बच्चों को कि वो ट्रैफिक वाले एरिया में ना जाए ठीक है या फिर जहाँ में रोड्स पर ना जाए क्यों क्योंकि वहाँ पर उनके लिए हैज़र्ड है ख़तरा है ठीक है देन मैनुअल हैंडलिंग अगर तो हम लोग मशीन मशीन इस्तेमाल करें ठीक है आप लोग कहते हो तो ध्यान से इस्तेमाल किया जाए क्यों क्योंकि यहाँ पे खतरा है बिल्कुल एग्जाम्पल आप लोग बात करते हो उन लोगों की जो कि घास काटते हैं ठीक है वो मशीन जिसमें चारा काटा जाता है अगर आप लोग उसकी बात करो तो आप कहते हो तो हाँ जी ये खतरा है यहाँ पर ठीक है इसी तरह से मैनुअल यानी कि हाथ से मीन मशीन मशीन को चलाना या फिर हैंडल करना ठीक है संभालना स्पिल्स यानी के ओवरलोडेड जो आपके ड्राम्स होते हैं या बर्तन यानी के ऐसे बर्तन जिसमें से पानी या फिर कोई सा भी मशरूबा या कोई सा भी लिक्विड बाहर गिरने का डर हो या फिर बस जरा सा हिलाओ और वो गिर जाए छलकने वाले जितने भी बर्तन होंगे वो स्पेल्स आ गए यानि के ऐसे ड्राम्स जो कि ओवरफिल्ड हो देन नेकेड फ्लेम्स यानी कि लाइक अगर आप लोग देखते हैं गलियों में गंद इकट्ठा करके वहां पर आग लगा दी जाती है और उसके इर्द गिर्द किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती तो इट्स मीन आप लोग फिर मना करते हैं अपने बच्चों को कि आप इस आग के पास नहीं जाओ क्यों क्योंकि आपको नुकसान पहुंच सकता है वहां से कोई शॉपर या कोई भी कागज़ जो है थोड़ा सा आग लगी हुई है और बाकी वो उड़कर इधर उधर हो जाए तो वो नुकसान पहुंचा सकती है राइट नेकेड यानी कि खाली या नंगी फ्लेम्स आग ठीक है देन रिस्क द लाइकलीहुड एक्सपोजर टू अ हैजर्ड विल रिजल्ट इन इंजरी यानी कि वो चांसेस जो कि एक्सपोयर जाहिर होने पर हैज़र्ड के विल रिजल्ट इन इंजरी यानी कि नुक्स आपको चोट पहुंच सकती है नतीजतन आपको चोट पहुंचेगी या फिर कोई बीमारी हो जाएगी या फिर कोई और लॉस अकरेंगे यानी कि कोई और नुकसान पहुंच सकता है ठीक है इनके वो चांसेस हो गए या पॉसिबिलिटी हो गई जिसे आप लोग कहते हैं मुमकिनत होना यानी कि मुमकिन होना के हैजर्ड का सामना करने पर हो सकता है एक और कॉमन एग्जाम्पल मैं देती हूँ लाइक अगर तो कंपनी में बॉस डांटेगा ठीक है बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को डांटता है आप आपका तो ख़तरा है लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो इस चीज़ को सीरियस लेकर और मेंटली डिस्टर्ब हो जाए तो इट्स मीन वो अब उसको नुकसान पहुंचा है यानी कि वो रिस्क में टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स की बात कर तो फिजिकल हैजर्ड्स भी होते हैं जो फिजिकली नुकसान पहुंचाएं है, केमिकल हैजर्ड्स हो जाएंगे मैकेनिकल हैजर्ड्स बायोलॉजिकल हैजर्ड्स रेडिएशन और साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स यानी कि मेंटल हैजर्ड्स हो गए ठीक है ये टाइप्स आप सिर्फ सिर्फ इनके नाम याद करेंगे इसके अंदर कोई डिटेल नहीं है अब आप लोग आगे बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स की यानी कि हम लोग किसी भी खतरे को या फिर नुकसान को मैनेज करने के लिए क्या प्लान बनाते हैं ठीक है या कि इस प्लान को फॉलो करते हैं आप लोग कहते हो इसके अंदर आप लोग उन तमाम तरह नुकसान की तशखीस करते हो यानी कि उसको जांचते हो जो कि किसी भी फार्मेसी को फ़ेस करना पड़ सकती है फिर इसके साथ साथ आप लोग बहुत सारे ऐसे तरीके तलाश करते हो या फिर तरक्की या बेहतरी की तरफ लेकर जाते हो जिससे आप उस नुकसान से बच सको या उसको निकाल बाहर करो एलिमिनेट या रिमूव कर दो या फिर उसको कंट्रोल कर लो ठीक है दोज रिस्क किस लिए ताकि वो दोबारा से ना हो ठीक है उन मीन फ्रॉम हैपनिंग फ्रॉम सेट बैक मीन्स टू प्रिवेंट सेट बैक्स फ्रॉम हैपनिंग दोबारा होने से उनको रोकने के लिए ये तमाम चीजें की जाती हैं कौन कौन से इसमें स्टेप्स किए जाते हैं फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन रिस्क मैनेजमेंट नंबर वन रिस्क एनालिसिस आ जाता है या रिस्क असेसमेंट यानी कि उसका अंदाजा लगाना सॉरी एनालिसिस एन, यानी कि जांचना या फिर आ, रिस्क असेसमेंट देन रिस्क एवेलुएशन यानी कि उसका अंदाज़ा लगाना रिस्क एक्सेप्टेंस इनके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया या रिजेक्शन क्राइटेरिया देखना देन रिस्क कंट्रोल यानी कि आप कंट्रोल कैसे करोगे या कंट्रोल करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी कितनी लागत आएगी उस देन ऑन गोइंग एवेलुएशन आप लोग मजीद उसको बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से इकदाम कर सकते हो यानी कि रोकने के लिए कौन कौन से बेहतर इकदाम कर सकते हो देन रिस्क कम्युनिकेशन कि अब आपने अगर उसको फेस कर लिया है तो उसकी सारी की सारी मालूम या उससे बचाव के तरीके अपने तक महदूद ना रखें कम्युनिकेशन के साथ दूसरे लोगों को भी अवेयर करें ठीक है वरना आज आप नुकसान में हैं कल को कोई और होगा परसों को कोई और हो सकता है अब हम लोग इन स्टेप्स को वन वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे नंबर वन रिस्क एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट इसके अंदर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वी आइडेंटिफाई सिस्टम हैज़र्ड्स एंड पॉसिबल हार्म्स, यानी कि हम लोग जांचते हैं अपने सिस्टम को उसके खतरात को और होने वाले यानी कि मुमकिन मुमकिन नुकसान को जो हो सकते हैं उन सब को हम लोग देखते हैं ठीक है अब अगर अब हम लोगों को मीन हमने एनालाइज़ कर लिया कि हाँ जी हुआ है नुकसान फिर हम लोग क्या करेंगे फिर हम लोग ये मीन हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे वही एस्टिमेट अंदाज़ा लगाते हैं जस्टिफाई और दलील पेश करते हैं और डॉक्यूमेंट्स रिस्क और हम लोग फिर दस्तावेज़ बनाते हैं उसके लेवल की कि हमारे जो नुकसान हुआ है उसका लेवल क्या था फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं तो उसकी शिद्दत क्या थी प्रोबेबिलिटी कितने चांसेस थे उसके होने के या फिर ये कि उसकी कितनी शिद्दत थी रिस्क हुआ है नुकसान हुआ है तो उसकी शिदत क्या थी नेक्स्ट थिंग रिस्क एक्सेप्टेंस रिस्क रिस्क एक्सेप्टेंस में हम लोग क्या चीज़ें लेकर आते हैं लाइक like, अगर आप लोगों ने अपना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बनाया हुआ है या रिजेक्शन क्राइटेरिया एज़ फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरी फार्मेसी में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है कि मेरे पास जितने भी कंटेनर्स आए शुड बी क्लीन ठीक है जो जितने भी कंटेनर्स हैं शुड बी प्रॉपरली पैक्ड ठीक है पैक्ड होने चाहिए या फिर आप लोग कहते हैं कि उसके अंदर जितने भी मेड जितने भी मेडिसन्स हैं उनके ऊपर लेबल जो है लेबल प्रॉपरली ठीक है उसके ऊपर लेबल भी प्रॉपर लगा हुआ उसके ऊपर लेबल मीन फटावा ना हो इधर उधर वो ना हो फिर जितने भी एम्प्योल्स हैं एम्प्योल्स वो सारे के सारे मीन प्रॉपर हो ठीक है कोई भी स्पेल्ड ना हो रहा हो या फिर कोई भी क्रैक्ड ना हो कोई भी टूटी हुई ना हो तो वो मेरे हाथ हो गया एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अगर तो अब मेरे पास कोई आया है कोई भी स्टॉक आया है वो साफ नहीं था या फिर मैं कहती हूँ या फिर मैं ये कहूं कि उसके ऊपर लेबलिंग सही से नहीं थी या फिर एम्प्य जो थे वो टूटे हुए थे क्रैक थे जिन्होंने बाकी एम्प्य को भी डर्टी कर दिया तो वो मेरे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को फिल नहीं कर रहा यानी कि वो मेरे रिजेक्शन क्राइटेरिया को मीन लाई कर रहा है तो आप लोग ये देखोगे कि जो रिस्क हुआ है जो नुकसान हुआ है वो आपके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे आ रहा है या फिर रिजेक्शन क्राइटेरिया पे आ रहा है राइट right? यानी कि आप कंपेयर करते हो वी कंपेयर रिस्क नुकसान को करोगे कंपेयर विद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड फाइनलाइज द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन और रिस्क कि आपका जो मीन आपके जो खतरा था वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे आ रहा है या रिजेक्ट हो रहा है या बिल्कुल नुकसान पर है ठीक है फिर रिस्क कंट्रोल अब अगर हम लोगों के सब कुछ हो गया अब आप लोग क्या करोगे कि इन द स्टेप हम लोग रिस्क को कंट्रोल कर मीन कंट्रोल कैसे करें कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगेगी कितनी लागत आएगी उसको कंट्रोल करने पर हम लोगों के कितनी कीमत या कितने पैसे लग जाएंगे टू कंट्रोल द रिस्क डिफाइन एंड टेक सूटेबल एक्शंस राइट इसके बाद ऑन गोइंग हम लोगों ने एक दफ़ा उसको कंट्रोल तो कर लिया लेकिन अब इम्पॉर्टेंट स्टेप टू कंट्रोल अपकमिंग रिस्क अब आने वाले ख़तरात से बचने के लिए या नुकसान से बचने के लिए अब हम लोग स्टेप्स या इकदाम पूरे करते हैं वे कंटिन्यूसली मोनीटर न्यू हार्मस यानी कि नए ख़तरात को हम लोग मोनीटर करते रहते हैं यानी कि हम लोग देखते रहते हैं निगहदाश्त करते हैं या आप कहते हो तो सुपरवाइज करते हैं और रिस्क लेवल्स को यानि कि I आई मीन mean, खतरा को भी रिस्क लेवल्स यानी कि जो भी आपके जोखम हैं या फिर Uh, mean, जो भी, भी, भी हसब हाल के मुताबिकेशन रिस्क कम्युनिकेशन में आप लोग क्या करते हो कि अगर तो आप लोगों को नुकसान पहुंचा ठीक है थीके? तो आप लोग उसकी जितनी भी मैनेजमेंट आपने की है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप दूसरों तक भी पहुंचाओ ताकि अगर आज आप नुकसान में हो तो कल को उसी रिस्क की वजह से कोई और नुकसान में ना पड़े दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ठीक है इट इज़ नॉट इनफ टू लर्न अबाउट रिस्क एंड कंट्रोल दैम ठीक है ये इतना ज्यादा इन मीन ये सिर्फ सिर्फ यही चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप लोगों ने रिस्क के बारे में पढ़ा और उसको कंट्रोल कर दिया

इस सक्सेसफुल वो कामयाब रहा पीपल विल बी बिकम अवेयर ऑफ द रिस्क तो जितने भी लोग हैं वो अवेयर हो जाएंगे ठीक है वो पहले से मीन अलर्ट हो जाएंगे उस रिस्क से और मॉडिफाइड एयर बिहेवियर टू अवॉइड सेफ्टी हैज़र्ट और वो अपने बिहेवियर को भी अपने बर्ताव को भी उन तमाम तर खतरात या नुकसान से बच, उन से बचने के लिए मोहतात हो जाएंगे विदाउट सच कम्युनिकेशन देर इज नो होप दैट पेशेंट देर बिहेवियर अगर हम लोग ऐसा कोई कम्युनिकेशन कोई नहीं करते तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है कि हमारा पेशेंट जो है वो तब्दील कर लेगा अपना बिहेवियर राइट right? आज तक के लिए इतना नेक्स्ट टाइम हम लोग इन शाह मीन इसी लॉ एंड एथिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ड्रग लॉस अगर इस इस लेक्चर में आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन और अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल